नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी का हिसाब किताब और मैं हूं अनिंद्य चक्रवर्ती। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त जो है वो है कि हमारे देश में चीजों के लिए मांग नहीं है। गुड्स और सर्विसेज, सेवाओं, इसके लिए मांग नहीं है। लोगों के पास पैसे नहीं है, उनकी आमदनी नहीं हो रही है, इसलिए चीजें बिक नहीं रही है। आप जानते हैं, जैसे कि मोटर बाइक अगर आप देखें तो वो 8 साल में सबसे कम बिकी है। गाड़ियों में भी सिर्फ अमीर जो गाड़ी खरीदते हैं उसी के लिए मांग है, बाकियों के लिए मांग नहीं है। और इसका बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में जो एक 5% लोग है, टॉप के 5% लोग है, उनके हाथ में पैसा आया है और बाकी और भी पहले से गरीब हो गए। मतलब 95% लोगों के हाथ में पैसा नहीं है चीजें खरीदने के लिए और सिर्फ ऊपर के जो हैं उनके हाथ में पैसा है। इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो सबसे अमीर है उन्होंने अगर 2 गाड़ी खरीद ली, कहाँ और खरीदेंगे? अगर घर में 2 फ्रिज आ गए तो कहाँ और खरीदेंगे? हाँ, एक नया फ्रिज शायद लेटेस्ट ब्रांड वाला खरीद लेंगे। लेकिन जो कंपनियां ये चीजें बेचती हैं वो क्या चाहती हैं कि मांग का जो दायरा है वो बढ़े, जो खरीदने वाले लोग हैं देश में वो बढ़े। अब ऐसा है कि जो लोग बिस्किट बेचते हैं, छोटे छोटे शैम्पू बेचते हैं, हेयर ऑयल बेचते हैं, टूथपेस्ट बेचते हैं, वो भी देख रहे हैं कि चीज़ें बिक नहीं रही, क्योंकि गांव में भी शहरों में भी जो गरीब तबका है, गरीब छोड़िए, जो 70-80% हमारे देश की आबादी है, उनके हाथ में पैसे नहीं है। तो इसलिए सभी लोग, सिर्फ जो कहते हैं कि ये यहाँ पे अमीर और गरीब में फासला बढ़ा है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कॉरपोरेट लोग भी कहते हुए आए हैं कि देश में मांग बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों के हाथ में पैसा डालना ज़रूरी है। और इसी का हल निकालने के लिए मोदी सरकार ने इस बार बजट 2022 में कहा है कि हम खर्च करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे तो नौकरियां बढ़ेंगी, मांग बढ़ेगा चीज़ों का, लोगों के हाथ में पैसा आएगा और इस खर्च से क्या होगा, चीज़ें बिकेंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने से क्या इंपैक्ट होता है देश में, इकोनॉमी में, मांग में। मैं बता देता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हुआ रोड, पावर प्लांट, पोर्ट यानी बंदरगाह, एयरपोर्ट, ब्रिज, फ्लाईओवर, इन सब चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। ये बनाया जाता है और ये बहुत सालों तक रहता है और इससे लोगों को सुविधा होती है, हम लोगों को भी, आम लोगों को सुविधा होती है और साथ में जो बिजनेस करते हैं उनको भी सुविधा होती है। उनको एक जगह से दूसरे जगह पे सामान बेचने में या रॉ मटेरियल लाने में, इन सब चीज़ें में फ़ायदा होता है, उनका खर्चा कम होता है और उस खर्चे कम होने से उनका मुनाफा बढ़ता है। मुनाफा बढ़ता है तो वो लोगों को नौकरी में रख सकते हैं, उनका बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करना, एक तरीके से सभी अर्थशास्त्री कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कीजिए सरकार को, ताकि इससे सबको फायदा हो। सिर्फ नौकरी बढ़ने की बात नहीं है, बिजनेस के लोगों को भी फायदा हो। और इसलिए इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वही होता है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे खर्च बढ़ाया गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। और सरकार ने कहा है कि हमने 35% पिछली साल के तुलना में खर्च बढ़ा दिया है। हाँ, लगभग 2 लाख करोड़ का खर्च बढ़ा है, ये साफ है, 2 लाख करोड़ के आसपास। 2 लाख करोड़ आप देखेंगे तो बहुत होता है, कम नहीं है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा पेच है। पहली बात है, ये भी मैं पहले बता दूं, इस 2 लाख करोड़ में से 47,000 करोड़ के आसपास तो जाएगा BSNL में डाला जाएगा, भारत संचार निगम लिमिटेड में कैपिटल इन्फ्यूजन किया जाएगा ताकि वो 4G खरीद सके। बाकी 5G पे जा रहे हैं बाकी टेलीकॉम कंपनी, BSNL को कहा जा रहा है कि आप 4G के लिए बिड कीजिए, इसके लिए हम आपको पैसे दे रहे हैं, और ये 4G का पैसा वापस सरकार के पास ही आएगा। तो एक तरीके से वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। दूसरा, 1 लाख करोड़ लगभग जितने भी राज्य हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए लोन दिया जा रहा है, इंटरेस्ट फ्री लोन 50 साल के लिए, लेकिन ये लोन है, ये सीधा सरकार का खर्चा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्चा नहीं है। तो इनको भी अगर मैं देख लूं तो कुल, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड बिल्डिंग, नेशनल हाईवे वगैरह, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को लगभग 66,000 करोड़ ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन कुछ जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि देखिए इस साल क्या हुआ है कि कुछ खर्च जो बजट में नहीं दिखाया जाता था, बाहर होता था, इस साल वो सीधा बजट पे आ रहा है, इसलिए ये 46,000 करोड़ जो बढ़ रहा है
ये पूरा 46,000 करोड़ नहीं है, इससे थोड़ा कम है। और जो जो राज्यों को लोन दिया जा रहा है उनमें से अगर राज्य आधा भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर ले, क्योंकि उसमें कहा गया कि डिजिटल इंडिया पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, बहुत कुछ अलग अलग खर्च भी हैं जो सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, आधा भी करे तो आप कह सकते हैं लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने के लिए दिया जा रहा है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये होगा किस तरीके से, ये होगा कि प्राइवेट कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। आप जानते हैं कि कहीं पे रोड बनता है तो क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, टेंडर होता है, प्राइवेट कंपनी आकर टेंडर जो सबसे सस्ते में काम करेगा उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट जब उनको मिलता है तब वो क्या करते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं, सीमेंट हो, स्टील हो जो ब्रिज विज बनाने के लिए चाहिए होगा, या जो आपको रोड बनाने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं ये सब खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, ट्रक हो, क्रेन हो, मिक्सर हो, जो भी होता है ये सब खरीदते हैं, और साथ में मजदूरी के लिए मजदूरी भी देते हैं, वेजेस जिसको हम कहते हैं, लोगों को काम पे भी रखते हैं इन प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन मैं अगर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी का वेबसाइट पे जाऊं तो मुझे मिलेगा कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी कहती है कि हर 100 रुपये जो खर्चा होता है नेशनल हाईवे बनाने में उसमें से सिर्फ 14 जाता है वेतन के तौर पे, मजदूरी के तौर पे, 65% जाता है कच्चे माल के लिए और बाकी जाता है इक्विपमेंट खरीदने के लिए। तो इसका मतलब है कि अगर 1,00,000 करोड़ खर्च किया जा रहा है इन चीज़ों पर तो आप सोच लीजिए सिर्फ 14,000 करोड़ के आसपास सीधा जाएगा लोगों के हाथ में, गरीब लोगों के हाथ में जो आके मजदूरी करेंगे, 14,000 करोड़। अच्छा, अब आप देखिए कि आप कहेंगे कि ठीक है ये तो सीधा जा रहा है, लेकिन जो सीमेंट बेच रहा है वो भी तो किसी को हायर करेगा ना, वो भी किसी को काम पे रखेगा। बिल्कुल। तो मैं अगर ले लूं कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि सबसे बड़ा सीमेंट कंपनी है हमारे देश में, उनका वेतन का खर्च कितना है, मजदूरी का खर्च कितना है, 18%। तो कुल अगर मैं सब कुछ मिला लूं, सब कुछ अगर मिला लूं मैं, तो भी लगभग आप सोच लीजिए लगभग 35 करोड़ के आसपास बनेगा, और उसको थोड़ा बढ़ा दूं तो 40,000 करोड़ के आसपास बनेगा। लेकिन इसमें एक चीज हुआ है और वो है कि इस साल हमारे देश में मनरेगा पर खर्चा 25,000 करोड़ कम किया जा रहा है, कम। और एक चीज याद रखिएगा, मनरेगा ऐसा जगह है जहां पे मजदूरी का पार्ट ज्यादा होना पड़ता है, कम से कम 60,000। इसका मतलब 25,000 करोड़ अगर आप कम करेंगे खर्च तो 15,000 करोड़ का वेतन कम हो जाएगा, मजदूरी इकोनॉमी से निकल जाएगी 15,000 करोड़। तो अगर 40,000 करोड़ कुल बच रहा है, नया वेतन या मजदूरी बन रही है, 15,000 करोड़ घट रहा है, यानी कुल 25,000 करोड़ का वेजेस या इनकम गरीबों के हाथ में आएगा ये जो नया खर्च किया जा रहा है। कुल आप टोटल ये रोडवेज का खर्चा देख लीजिए और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा देख लीजिए और उससे मनरेगा पे जो कम खर्च हो रहा है वो हटा दीजिए, 25,000 करोड़, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, मनरेगा में कुल लगभग 15,000 करोड़ काम करते हैं, 15 करोड़ लोग काम करते हैं और लगभग 10 करोड़ जॉब कार्ड के साथ, क्योंकि एक जॉब कार्ड एक परिवार को मिलता है और उसमें लगभग आप सोच लीजिए औसतन 1.5 लोग काम करते हैं, मतलब 2 परिवार में 3 लोग काम करते हैं मनरेगा में। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगभग 5,500-6,000 लोग काम करते हैं, बाकी जो इनपुट वाले सेक्टर हैं सब कुछ आप मिला लेंगे तो वही 7 करोड़ के आसपास लोग काम करते हैं इनमें। अब इसमें ओवरलैप भी होता है, जो मनरेगा में मजदूर काम करता है कभी कभी वो 100 दिन के लिए बाकी टाइम पे जाके किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे शायद काम करता हो, ये भी हो सकता है, स्पेशली गाँव में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे आप सड़क योजना है या छोटे छोटे घर बन रहे हैं इनमें भी ग्राम आवास योजना है, इसमें तो ओवरलैप होगा। तो आप सोच लीजिए कि कुल मैं ये जो सारे मिला लूँगा तो हो जाएगा 22-23 करोड़ के आसपास, तो मैं कहता हूँ कि ओवरलैप है तो 19 करोड़ के आसपास लोग काम करेंगे इन सब प्रोजेक्ट में। 25,000 करोड़ याद रखिएगा और 19 करोड़ लोगों को ये 25,000 करोड़ के आसपास मिलेगा। आपको पता है कितना बनता है वो, प्रति परिवार वो 1,700 रुपये बनता है पूरे साल में, ठीक है। और याद रखिएगा कि गरीब तबके के लोगों में एक परिवार में लगभग औसतन 5.5 लोग होते हैं, ठीक है। इसका मतलब पूरे साल में
प्रति व्यक्ति उन परिवारों में, क्योंकि बच्चे भी हैं बुजुर्ग भी हैं, प्रति व्यक्ति उन परिवारों में ये जो लगभग 19 करोड़ के आसपास हैं, और उनमें से मैं परिवार लगा लूँ तो लगभग आप सोच लीजिए 15 करोड़ से भी कम, 14 करोड़ के आसपास परिवार होंगे। प्रति व्यक्ति इन 14 करोड़ परिवारों में जो गरीब तबके के हैं उनको 1 रुपया प्रतिदिन मिलेगा, 1 रुपया एडिशनल। उससे क्या होगा, 1 रुपया प्रतिदिन एक्स्ट्रा आने से वो कौन सा चीज खरीद लेंगे, क्या तीर मार लेंगे। यानी साफ है कि इस सर खर्चे से मांग हमारे देश में थोड़ा सा भी नहीं बढ़ेगा, जो जाएगा प्रॉफिट में जाएगा, जो कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है उनके प्रॉफिट में जाएगा, यानी प्रॉफिट का भाग और भी बढ़ेगा, प्रॉफिट के हाथ जो है वो लोगों के हाथ में और भी आएगा, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनके खर्चे में, डिमांड वही का वही रहेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। यही है इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का नतीजा। तो ये आप याद रखिए, जब अगर कोई आपको बोले कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत खर्च कर रही है सरकार और इससे मांग बढ़ेगा, इकोनॉमी रिवाइव हो गया, आप थोड़े ये आंकड़े उनको ज़रूर सुना दीजिएगा। आज का शो यहीं तक, न्यूज़ क्लिक देखते रहिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इस शेयर वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए।